नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, मगर वोटिंग से पहले राज्य में प्रवर्तन निर्देशालय और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की लगातार छापेमारियां हो रही है। सोमवार को राजधानी हैदराबाद में अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 14 लोकेशन पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग के अधिकारी तेलंगाना मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गाची बोबली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले प्रदीप नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदीप तेलंगाना मंत्री सविता इंद्रा का करीबी रिश्तेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टीम ने रेड्डी के अन्य रिश्तेदारों के ठिकानों की भी तलाशी ली है। अधिकारी वर्तमान में हैदराबाद में एक प्रमुख फार्मा कंपनी पर भी छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही शहर भर में 15 अलग अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी ली जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों के जरिए फार्मा कंपनी के मालिक के घर और स्टाफ के दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि कोटला नरेंद्र रेड्डी के यहाँ छापेमारी हो रही है, जो डॉक्टर रेड्डीज लैब में मार्केटिंग का काम करते थे। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारियां हो रही है। बताते चले कि सोमवार को हो रही छापेमारी से दो दिन पहले तेलंगाना के खम्मम जिले में कांग्रेस नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के यहां पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। कांग्रेस नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रेड्डी हाल ही में BRS से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वह लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं।